अमित शाह का डीप फेक वीडियो वाला मसला बड़ा रूप ले रहा है। इस मामले में जांच की आंच 9 राज्यों तक पहुंच चुकी है। 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कई बड़े नामों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो दूसरी तरफ राजनीतिक मंच पर बीजेपी डीप फेक वीडियो को विरोधियों के खिलाफ ही हथियार बनाकर घेर रही है। उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। यहाँ पर कोई करने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है। तो एक गैर संवैधानिक आरक्षण पर गढ़ी गई फर्जी सियासी स्क्रिप्ट के पर्दाफाश के बाद से बीजेपी रौद्र रूप में है। अमित शाह पहले से भड़के ही थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोर्चा खोल दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं, मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से कंगालियत पर पहुंच गई है। जिस समय प्रधानमंत्री डीप फेक वीडियो पर हमलावर थे, तो पराजय का भय इतना सता रहा है। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक कुल 9 राज्यों में पुलिस सुपर एक्टिव मोड में आ चुकी थी। अहमदाबाद से 2 लोगों को, जबकि असम के गुवाहाटी से 1 व्यक्ति को पकड़ा गया। अहमदाबाद से गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक सतीश वड़सोला वडगाम से कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी का पीए है, जबकि दूसरा आरबी बारिया आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। कुल 15 लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है, जिसमें अखिलेश की पार्टी एसपी के एक उम्मीदवार समेत यूपी से 3 लोगों का नाम है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने 1 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना में 5 लोगों को नोटिस भेजा है, जिनमें कांग्रेस नेता भी शामिल है। झारखंड नागालैंड के कांग्रेस नेता को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मुंबई में यूथ कांग्रेस के खिलाफ शिकायत हुई है। 2 आरोपी की धरपकड़ करने में आई है, मेनली एक सतीश वंसोला करके है और एक राकेश बारिया करके है। उन्होंने फेसबुक प्रोफाइल से माननीय केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री का जो सभा का वीडियो है उसे एडिट करके एडिटेड वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू पोस्ट किया और उसे वायरल किया है। जांच के लिए बुलाए गए लोगों को मोबाइल साथ लाने के लिए कहा गया है। डीप फेक वीडियो की ये आग तब भड़की जब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि तेलंगाना कांग्रेस ने आरक्षण के मसले पर अमित शाह का एडिटेड वीडियो शेयर किया, जिसमें वो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि मूल वीडियो में अमित शाह मुस्लिम आरक्षण पर बात कर रहे थे। अब वही एडिटेड वीडियो शेयर करना कांग्रेस की गले की फांस बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।